आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने लिया जायजा। कहा केंद्र सुरक्षा बल व पुलिस बल हर 8 घंटे ड्यूटी बदलकर 2400 घंटे करेंगे ईवीएम की सुरक्षा। हर दिन अधिकारी दिन में 2 बार जांचेंगे ईवीएम की सुरक्षा। जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में रखे गए ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा सीसीटीवी कैमरों से ईवीएम की परखी जा रही है सुरक्षा व्यवस्था, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में मीडिएटर एवं पैराविधिक स्वयंसेवकों की बैठक सकुशल हुई संपन्न। जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक स्तर पर ग्रामीण अंचलों में भी प्रचार प्रसार कराए जाने के दिए निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में 9 विधानसभा के प्रत्याशियों के प्रपत्रों के स्क्रूटनी का कार्य गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में सकुशल हुआ संपन्न। एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा प्रत्याशियों व उनकी प्रतिनिधियों की निगरानी में की गई प्रेक्षकों के समक्ष स्क्रूटनी। ईवीएम मशीन के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पुख्ता इंतजाम। एसपी सिटी ने कहा ईवीएम मशीन के रूम के पास तैनात है केंद्रीय सुरक्षा बल सहित 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था। सीसीटीवी से रखी जा रही है सभी गतिविधियों पर नजर। और गोरखपुर में शुक्रवार को पाए गए 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 249। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।